अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निलोफर्स किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ चने की दाल कोकनी स्टाइल में। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। 4 टेबल स्पून ड्राई खोपरा है और 1 टीस्पून ज़ीरा है। इसको हम ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लेंगे थोड़ा कलर चेंज होने तक। मैंने गैस बंद कर दी हूँ। ये देखिए थोड़ा सा रोस्ट हो चुका है, हल्का सा पिंकिश कलर आ गया है उसके ऊपर। इसको ठंडा होने के बाद हम इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। इसके अंदर हम 2 लहसुन डालेंगे, 2 पॉड्स लहसुन के ऐड करेंगे इसके अंदर हम। देखिए 2 लहसुन के पॉड्स है, वो मैं एक ग्राइंडर में ऐड कर रही हूँ। और ये ठंडा होने के बाद इसका एक मैं फाइन सा पेस्ट बना लूँगी। मैंने यहाँ पे कुकर रख दी हूँ गर्म होने के लिए। इसके अंदर मैं लगभग 2-3 टेबल स्पून इतना तेल ऐड करूँगी। ये देखिए तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे हम। एक स्लाइस प्याज ले ली हूँ, इस तरह से स्लाइस कर ली हूँ। इसको अब मैं तेल में ऐड करूँगी। वो हल्का गुलाबी होने तक हम प्याज को फ्राई करेंगे। नमक हसबे ज़रूरत, अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम प्याज को। देखिए मेरा मसाला पीस के हो चुका है। प्याज भी हम अच्छी तरह से और सोटे कर लेंगे प्याज को भी। ये मेरी प्याज हो चुकी है, इसी तरह की मुझे प्याज चाहिए। ये मैंने 1/2 कप चने की दाल ओवरनाइट सोक कर ली थी, ये अब मैं प्याज में ऐड करूंगी दाल को। अच्छे से सोटे कर लेंगे हम। मैंने फ्लेम को मीडियम हाई कर दी हूँ। अब जो हमने मसाला पीसे थे वो ऐड करेंगे इसके अंदर। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वन टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी। आप लाल मिर्ची अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दाल और मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। ये जो मसाले का मिक्सर था इसके अंदर मैंने 1 कप पानी ऐड की हूँ, वो इसमें डाल रही हूँ। इसको पहले हम ऐसे ही पका लेंगे अच्छी तरह से। मैं 1/2 कप पानी और ऐड कर रही हूँ और इसका ढक्कन लगा के मैं 3 सीटी तक पकाऊंगी। अगर आपको बिना कुकर के पकाना है तो आप उस तरह से भी कुक कर सकते हैं इसको। मैं इसको 3 सीटी होने तक इसको पका लूंगी। ये देखिए मेरी दाल हो चुकी है। मैं इसको और थोड़ा ड्राई करूंगी। आपको जैसे चाहिए आप उस हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं, गाढ़ी पतली जो भी चाहिए। मुझे और थोड़ी इसको ड्राई करनी है, मैं इसको और थोड़ा ड्राई करूंगी और फिर मैं आपको इसको सर्व करके बताती हूँ। चने की दाल की रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।